हरि श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिवन्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमयन्ति तस्मै सत्यातने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदेशभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यातने नमः। स्फुरन्ते शीकराजस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्तने नमः। ब्रह्मानन्दात्तने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठजी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि को थोड़ा बोल दिए। नहीं ये नहीं है आज डोंगल करके। अरे यार वो कहाँ गया? तो क्या नाम विशाल? विशाल क्या नाम? विश्वास। उसी के पास दायित्व है। कौन कौन करता है? कौन क्या कर? दुर्गी वगैरह तो चले गए ना अंदर घर। हमारा निर्वाण प्रकरण और पूर्वार्ध चौतालीस 44वां सर्ग का बातचीत चल रही है। हम कल देख रहे थे कि जो ज्ञानी लोग का क्या क्या व्यवहार होगा, कौन सा व्यवहार को देख करके हम समझेंगे ये ज्ञानी है, उसको समझ करके तुम्हारा क्या होगा? हमारा यही होगा कि हम ज्ञानियों के रास्ता में चलेंगे।
यही तो होगा। महाजना ये नगता सा पंथा, जिस रास्ता में बड़े लोग गए हैं उस रास्ता में हम भी चलेंगे, यही रास्ता और बतलाया गया। बड़े लोगों का अनुकरण करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए ज्ञानियों का व्यवहार को हमको समझना पड़ेगा। जिस दशा में आत्मा भोग सुख का आस्वादन नहीं लेता और प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुख आदि का स्वाद लेता है, उसे आकाश के सदृश केवल कोमल और समता रूप निर्वासन तो दशा जानिए। निर्वासन इसमें वासना नहीं है, हरिओम सुहासिनी। हाँ ये ढूंगल नहीं मिला कहीं, पर नकदिया देख रहे हैं इसीलिए मिलने से थोड़ा। आजकल हम लॉकडाउन के है ना, आश्रम में सब आना जाना सब बंद हो, दुर्गी वगैरह ऑफिस में वो भी घर चले गए सब गांव के बच्चे, तो देखते हैं मिल जाने से फिर करते हैं। तब तक देखो यूट्यूब, अच्छा अच्छा आज यूट्यूब भी नहीं कुछ, ये भी नहीं, इंटरनेट नहीं है। हरिओम, हाँ इसको रिकॉर्डिंग करके डालेंगे। अभी अगर डोंगल मिल जाएगा तो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रहे इंतजारी करो। साष्टांग आशीर्वाद, साष्टांग आशीर्वाद कैसा होता है? पैर से सिर तक पकड़ के खींचना आशीर्वाद, मारना धोखा। चलो देखते हैं अभी हो जाएगा, बने रहो, लगे रहो इंडिया, डोंट बी होपलेस, हैव ए होप। वो लड़का जो यहाँ बैठता है ऊपर टेरेस पर बैठा है, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया तो वो टेरेस पर था मतलब। हाँ वही तो, विशाल ने विश्वास आएगा, 4 बज गया है वो तो आना था, कभी वापस तो नहीं गया। कोई ये तो लिफ्ट में कभी कभी कोई फंस जाते हैं। चलते रहेंगे हम, चलते रहे हम। तो कहते हैं कि जब अपना जिस दशा में आत्मा भोग सुख का आस्वादन नहीं लेता है और प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुख आदि का स्वाद लेता है, उसे आकाश के सदृश कोमल ममता ममता कोमल समता रूप निर्वासन
दशा जानी है। मिल गया जी स्वामी जी, तलाज में था और विश्वास के रूम में ताला लगा है, वो है नहीं वहाँ। अभी तो कहाँ बात चली गई। हरिओम जी। हाँ हाँ मिल गया डोंगल, मिल गया लाइन में रहो। प्रणाम प्रणाम। है सब हाजिर? हाजिर आए? हाँ एक के कोई एक के लिए दो तीन जो एब्सेंट है उसके एब्सेंट के लिए चुपचाप ये सार करके हाथ मत उठाओ। हरिओम। हरिओम। हम ऐसे ही करते थे बदमाशी। कॉलेज कोई बच्चा एब्सेंट है तो क्या करना, उसी की आवाज है। यस सर। अभी आया? अभी आया। धीरज धीरज धीरज। जय बजरंग बली के। आज हनुमान जयंती का सबके सबके लिए मुबारक है। हनुमान जयंती की जय हो। जय बजरंग बली। उसको और कहीं नहीं मिला, इधर खेलने के लिए आ गया। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमें। अनम्यूट करो। हरिओम। हमारा कल हम छोड़े थे जो ज्ञानियों का लक्षण क्या होता है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या होता है। हम क्यों जानना चाहते हैं कि उसी रास्ता का हम अनुसरण करना चाहते हैं। बड़े लोग जिस रास्ता में चलते हैं उसी रास्ता में हमको चलना है, इसीलिए हमको जानकारी चाहिए। ज्ञानी लोग कैसे व्यवहार करते हैं, जिस दशा में आत्मा भोग सुख का आस्वाद नहीं लेता और प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुख आदि का स्वाद लेता है, उसे आकाश के सदृश कोमल समता रूप निर्वासनत्व दशा जानिए। निर्वासन दशा कैसा होगा? जहाँ वासनाओं का अभाव है, बिल्कुल कोई वासना नहीं, उसमें वो स्थिति कैसा होता है? मान लो कि भोग तो हो रहा है अपने इच्छा से नहीं परिच्छा से, उसको कहते हैं परिच्छा प्रारब्ध। प्रारब्ध कहते हैं पहले से रखा हुआ है, उसको भोग करना ही है। सुबह का भोजन बना हुआ था, बहुत बन गया था, और उसको हम शाम को फेंकते नहीं, क्या करते हैं उसको फ्रिज में रख लेते हैं, फिर उसको शाम को खा लेते हैं। वो तो सुबह जो बन गया था वही था,
अभी हमारा मन में था थोड़ा पकोड़ा खाना था, अरे देखो बादल बिल्कुल छा रखा है, हवा चल रहा है, बारिश शुरू हो रहा है, थोड़ा दो चार पकोड़ा हो जाए तो क्या आनंद आता, लेकिन अभी नहीं बनेगा नहीं बनेगा सुबह का जो कड़ी में पकोड़ा था ना वो ही खाना पड़ेगा उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, वो प्रारब्ध होता है। ऐसे ही प्रारब्ध समझो, जो पहले से रखा हुआ उसको तो भोग करना पड़ेगा। तो इसको हम वासना शून्य स्थिति मान सकते हैं, मानना पड़ेगा। हमारा कोई इच्छा नहीं है लेकिन मिला है उसको भोग करेंगे। मुझे करेला ठीक नहीं लगता है, मान लो मुझे तो अच्छा लगता है तो वो करेला पसंद नहीं है, परंतु करें क्या, डॉक्टर कहा वो थोड़ा शुगर का लेवल बढ़ गया है, अब खाना पड़ेगा, करेला खाना पड़ेगा, नहीं तो नीम का पत्ता चबाओ चलो थोड़ा करेला का जूस पी लेंगे, ये प्रारब्ध कहते हैं, इसको मानना पड़ेगा। इसी प्रकार इस स्थिति को हम वासना शून्य स्थिति मान सकते हैं। यस्टरडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिम्टम्स ऑफ इंडिकेशंस ऑफ ए वाइज मैन, सो दैट वी कैन फॉलो दैट पाथ। दैट पाथ इज टू बी फॉलोड which is trodden by great people, that is the way. So we have to know how the wise men behave. So he says, without wish, whatever comes by the way, if you enjoy it, that enjoyment, whether good or bad, that is called without your effort, whatever comes, you are enjoying it, that is desireless state. हे श्री राम भद्र, आप भीतर से वासना रहित इन जीवन द्वारा व्यवहारिक क्रियाएं कीजिए। ओ राम, प्लीज हैव नो डिजायर inside, and by the help of senses you can do whatever comes by the way, you can do accordingly. व्यवहार करते रहो लेकिन उसके लिए आशाएं मत, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा मुझे फल मिलेगा, ऐसा भावना मत रखो, ताकि तुम अनिच्छा से ही व्यवहार कर पाओगे, उस समय तुम्हारे कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा और तुम कर्ता नहीं बनोगे, और इंद्रियां इंद्रियों के लिए समय के अनुकूल, देश के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल कोई कर्म कर रहे थे, करने दो, तुम्हारा लेना देना उसमें कुछ नहीं है। ऐसा करने से आप सैकड़ों विक्षोभों के प्राप्त होने पर भी आकाश की तरह विकार को प्राप्त नहीं होंगे। आप ऐसा अगर करेंगे तो उसके जो उपजा विकार, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों को हम विकार कहेंगे, सुख हो दुख हो, उसमें तुमको लेना देना कुछ नहीं होगा, और आसान से बिल्कुल कोई कंप्लेन के बिना
तुम उस कार्य को संपादन कर लोगे। तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ऐसे ही अपने आप आ गया। उस दशा में आकाश के माफी आप निर्लिप्त रहेंगे, उसमें आपका कोई आसक्ति नहीं होगा। आकाश जंगल के जंगल जल जाने के बाद भी आकाश को ना कोई गर्मी ना कोई ठंडी लगती है, आकाश तो आकाश रहता है। आकाश कभी जल करके खाक नहीं बन जाता है, आकाश सदा विकारहीन रहता है। इफ यू एंजॉय मीन्स इफ यू डू एवरीथिंग विदाउट योर विश एंड गेट द रिजल्ट, दैट रिजल्ट विल नॉट डिस्टर्ब यू। इट इज फॉर द सेंस सेक, द सेंस डू देयर जॉब्स फॉर सेंस सेक एंड दे enjoy the consequence and you are no way concerned with it. Just like the sky, you will be unconcerned and unaffected. Santatma hokar aap jnata jnana tatha jnaya rup in tino ko aur dukha adi ko bhi उक्त त्रिपुटि में एकीकरण कर एकात्म रूप से अपनी आत्मा में अनुभव कीजिए। इससे आप उनकी प्रतिकूलता नष्ट हो जाने के कारण फिर संसार के भागी नहीं होंगे। इफ यू डू लाइक दिस यू विल नॉट कम बैक टू दिस वर्ल्ड साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। You will not be concerned with all these pain and pleasure, so act like that. Don't be concerned. कुछ भी सामने आया उसमें कोई आपत्ति मत करो, मत जताओ। आया तो कर लो, कर लो तो तुम नहीं कर रहे हो, वो प्रकृति से इंद्रियां अपने आप समयानुकूल जो मांग है उसका पूरा करने दो। उसमें तुम्हारा लेना देना कुछ नहीं, उसका फलस्वरूप भी सुख दुख तुमको नहीं मिलेगा, तुम उसका भागीदार नहीं बनो। फिर संसार में तुम्हारा आवागमन नहीं होगा, अथवा दुख आदि में प्रतिकूलता की कल्पना मनोजनित ही है। इसलिए भुसुंडी उक्त युक्ति से मन का ही निरोध करना चाहिए। ठीक है, तुम दृष्टा के रूप में आकाश के माफी निर्लिप्त रह करके सारे कर्म को इंद्रियों के द्वारा संपादन करो, ये तो ज्ञानियों का रास्ता है, ऐसे ही व्यवहार करो। अथवा भूषण जी, हमारे काका भूषण जी चिरंजीवी, उनके साथ बसीर जी का जो वार्तालाप हुआ था उसके बारे में भी हम जानते हैं, पहले आलोचना कर रखे हैं। तो भूषण जी के साथ बशीर जी का जो वार्तालाप हुआ था, भूषण जी बोले थे उनको, बशीर जी को, कि देखो मैं ये संसार को दृष्टा के रूप में देखता रहता हूँ, अनंत काल से ऐसे ही मैं देखते आ रहा हूँ, इसीलिए संसार का जो जन्म मरण चक्र में मैं कभी नहीं पड़ता हूँ, और मेरा ना कभी मरण है ना कभी जन्म है, मैं दृष्टा के रूप में संसार को
कब से ऐसे ही दिखते आ रहा हूं। मेरा जन्म मरण नहीं, जन्म मरण के परे हूं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं वैसे ही तुम भी व्यवहार करो दृष्टा के रूप में। ना करता ना करण ना कर्म, ये त्रिपुटी कहते हैं द ट्रायड्स, नाइदर यू आर द डूयर नॉट द प्रोसेस नॉट द डन ऑब्जेक्ट, बी जस्ट विटनेस एंड एंजॉय। सो दैट एंजॉयमेंट इज नॉट योर्स, दो यू गेट हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस। Sometimes you are sitting in the audience and you are observing a match, some game, and impartially you are witnessing it. You have no concern with either party and you are enjoying it. So when say it is a cricket match, one bats a sixer, oh beautiful, beautiful, you enjoy it. And when at the border somebody catches the ball, then that also you enjoy, oh beautiful catch, beautiful catch. For him it is a great loss, but for you both are a matter of enjoyment. So जो अनासक्त दृष्टा रूप से अगर कोई खेल को देखा जाए तो हमारे हर सुख दुख को हम सुखी ही मान करके दृष्टा के रूप में आनंद उपभोग करते हैं। इसी ढंग से त्रिपुटी को एक करके जहां क्लास शुरू करने के पहले जो प्रार्थना करते हैं, जहां से ये त्रिपुटी का उद्भव होता है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन चीज जिससे निकल करके उसी में फिर लय को प्राप्त हो जाता है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। जो बुदबुदे और लहरों से लहरें टकराते हैं, क्यों लाखों अरबों बुदबुदे बन जाते हैं, क्यों बन के फिर बिगड़ते रहते हैं, क्यों? तो महासागर का तो स्वभाव ही यूं, सागर जल का तो ये स्वभाव है, ऐसे ही बनते रहता है। इसलिए महासागर को इसमें लेना देना कुछ नहीं है, बनेंगे बिगड़ेंगे वो उसका मुख्य दृष्टा बन करके देखता रहता है, बोलता कुछ नहीं। ऐसे ही तुम मुख्य दृष्टा बनो, ये ज्ञानियों का लक्षण। अथवा दुखादि में प्रतिकूलत्व की कल्पना मनोजनित ही है, इसलिए भूषणी उक्त युक्ति से मन का ही निरोध करना चाहिए। भूषण जी भी ऐसे ही बोले थे, वो दृष्टा के रूप में देखते रहे तो वो किसका दृष्टा बने? भूषण जी का युक्ति क्या है? युक्ति ये था, अरे मन तो है ना, पर मैं थोड़ी मन हूं, मन एक है, समुद्र क्या कहेगा मैं लहर हूं? ऐसा कभी हो सकता है? Does the ocean say I am the waves? So mind is nothing but some wavery process according to great
चिरंजीवी भूषण जी, एटर्नल बींग भूषण जी सेज, आई विटनेस नॉट द वर्ल्ड, आई विटनेस माय माइंड, हाउ द माइंड इज वर्किंग एंड प्लेइंग विद द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स. आई ऑब्जर्व द माइंड, माइंड इज the doer and enjoyer, and it enjoys everything, and I witness my mind and be silent. That is my, I am no way concerned with the mind. Let the mind play its game और दूसरी भी बात है, मन अगर एक बार रंग गया, वो रंगा हुआ मन कुछ भी करे उसका कोई असर नहीं होता है. द कलर्ड माइंड, इफ द माइंड इज कलर्ड वंस, देन व्हाटएवर इट डज इट एंजॉय नथिंग. It cannot do anything seriously with attachment or something. It does everything, but that colored mind also is like non-doer, doing something. How is that colored mind? Colored mind. You see, we catch sometimes some little rats in our rat trap. We could catch them. We don't kill them. Poor fellows. By their nature, they come and disturb and do all sorts of unnecessary things. So what we do, we put a little color over it and leave them in a distant place. What happens, it never comes again to disturb you. Because it is colored, you will know it never comes again. What happens? All those rat society, they don't accept him. They drive them out. So such colored rats, they live all alone. They are good for nothing in the society. Society of rats. So it never comes again and disturbs you. This is how, if your mind is colored with the color of the Absolute, desireless state, if the mind is colored with that once, it will not enjoy in the all these affairs of worldly senses. It never enjoys. It does everything. It lives in the world, but it never becomes worldly. Does everything just as the lotus leaf we are discussing. वो चूहा रंग जाने के बाद चूहा समाज में परित्यक्त हो करके कहीं भी जा रहे, अपना गुजारा करते हैं अकेला. इसके ऊपर एक सुंदर नीलवर्ण श्रीगाल की कहानी मैं कभी कभी बोलता हूँ. वो मेरा फेवराइट स्टोरी. एक गांव में कोई एक धोबा गांव के बाहर अपना कपड़ा लता साफ सफाई करके रह रहा था, और उसके दो तीन कुंड होते हैं जिसमें
कपड़ा को, गंदे कपड़ाओं को डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डाल करके उसको भिजा करके रखता है, और किसी कुंड में ऐसा पानी रंग करके रखता है, नील नील डालते हैं ना सफेद कपड़ा को, थोड़ा अच्छा रंग लाने के लिए नील डालते हैं। तो नील रंग में डुबाने के लिए एक दूसरा भी कुंड रखते हैं, और भी कुछ रंगने के लिए, दूसरा रंग से रंगने के लिए दूसरा कुंड सब रहता है। तो एक कुंड में पानी भर करके उसमें नील डाल के रखा था, ताकि दूसरे सफेद कपड़ों को उसमें डालूंगा। ऐसे ही शाम हो गया था, छोड़ करके वो सो गया था। लेकिन हुआ क्या, वो दूर श्मशान घाट से सब जो सियाल सब आते हैं रात को, गांव के अंदर घुस जाते हैं सब सुनसान होने से, वो सियाल सब घुस करके कहीं कुछ झूठा उठा कहीं बाहर पड़ा हुआ उसको खाते हैं, कोई रोटी वोटी पड़ा होगा, हमारा इधर आ करके डस्टबिन को रोजाना डाल देते हैं नीचे, सब तितर बितर कर देते हैं, जंगल से आ जाते हैं सियाल, ऐसे ही गांव में आकर के घूमते रहते हैं आधा रात। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, कुछ सियाल गांव में घुस गए थे, और धोबा के वहाँ भी कुछ सियाल आ गए थे, सियाल फॉक्स जैकल्स। तो अचानक वो कुछ खा रहा था एक सियाल, तो कुछ आवाज आ गया, कुछ गिर गया, आवाज आया तो धोबी उठ गया, उठ करके सोचा क्या हो रहा है, धीरे से एक लाठी लेकर के कोई आया है, देखूं मैं, धीरे से आकर के अचानक दरवाजा खोल करके मसाल लेकर के बाहर आता है। तो तिताही झुंड सब सियाल भाग गए, सब आवाज लगाया, हा कौन आए, जब आवाज लगाया सब भागे, भागते वक्त एक सियाल बाई चांस वो नीला पानी में गिर गया भाग रहा था बेचारा, उसमें गिर गया तो रंग गया, नीला बन गया, सब भाग करके गए गांव से बाहर, भाग गए सब सियाल। और जब जाता है ये नीलवर्ण श्रीगाल ये जब जाता है उधर झुंड में, सब इसको परदेसी मान करके ये और कोई है, ये अंग्रेजी कहाँ से आ गया, हमारा वीसा नहीं है, पासपोर्ट नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई, इसे समझ करके उसको काट काट करके भगा दे बेचारा, कहीं अलग हो गया समाज से, अकेला रहना पड़ा उसको। इसे से कहते हैं कि नील वर्ण श्रृगाल के माफी मत बनो, समाज के लिए, समाज के लिए तुम बेकार हो जाओगे, ये सन्यासी लोग तभी तो ये गिरुआ रंग रंग लेते हैं ये समाज के लिए बेकार है, किसी काम के नहीं, मुर्दा है। यहाँ तो हमारा इतना तक हमारा परंपरा था, सन्यासी का छुआ हुआ चीज खाते नहीं, सन्यासी के हाथ से कोई चीज कोई खाते नहीं, यहाँ भी यह परंपरा था, महात्माओं से कोई चीज नहीं देना चाहिए, देना है लेकिन लेना नहीं। आजकल दृष्टिकोण बदल गया है, ये रंगा हुआ है ये तो किसी काम के नहीं हमारे नील वर्ण सिखा रहे हैं ये सो व्हेन द माइंड गेट्स कलर्ड बाय द कलर ऑफ द डिजायरलेस स्टेट, इट कैन नेवर एंजॉय
not be concerned in the worldly affairs. So be a witness of the mind, but don't be the mind. Let the mind do their job through the help of senses or body. Be a silent witness. मन के उन्मेष और निमेष से संसार की उत्पत्ति और विनाश होते हैं, उत्पत्ति और विनाश होते हैं, इसलिए पहले वासना और प्राण का निरोध कर तदनंतर आप मन का निरोध कर दीजिए. So, to witness the mind, not to be the mind, you have to apply some, you have to follow some path. That path is vasana ka, sansar ki utpatti aur vinash kiske उत्पत्ति और विनाश के साथ होता है, मन के उन्मेष और निमेष के साथ. मन जब पैदा होता है, काम करता है, तो संसार है. मन जब काम नहीं करता है, तो संसार नहीं है. इसीलिए मन का विनाश का कारण देखो, मन को स्थिर करने का तरीका ढूंढो, और मन का स्थिर करने का तरीका प्राण का स्थिरता से होती है. इसीलिए काकाभूषण जी प्राणायाम का एक विशद व्याख्या दिए थे, प्राणायाम कैसे करना चाहिए. हम जो नाक दबाते हैं वो एक तरीका है, स्थूल तरीका. असली प्राणायाम वो नहीं है, वो एक मॉडिफाइड जो पहले सब केजी में दाखिल हुए हैं उनको गणित सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है. वो एक रखते हैं राख में, कुछ एक दो स्टैंड के बीच में कुछ तार होते हैं, उसमें कुछ बल्ब्स होते हैं, उसको ये एक बोलो, एक बोलेगा एक, और इसको लाओ बना दो, ऐसा सिखाना पड़ता है. ऐसे ही हम नाक को दबाओ, हाँ दबा दिया, और दूसरे नाक से सांस लो, हाँ दिया, गिनती करो, गिनती किया, इतना, फिर दबाओ दूसरे नाक को. ऐसे ही सब सिखाते हैं ये केजी स्टूडेंट्स को, जैसे सब सिखाते हैं. ये असली प्राणायाम तो है, कुंभक कैसा किया जाता है, पल पल में कुंभक, उसके बारे में काकाभूषण जी बड़ा विस्तार से बताए थे, उसको देखेंगे कभी. तो वो प्राणायाम के अभ्यास से मन को स्थिर करके और इंद्रियों का कर्मों को करने दो, तुम मन मत बनो, इंद्रिया मत बनो, और प्राणायाम के रंग से रंगा हुआ, कुंभक के रंग से रंगा हुआ, चिरंतन कुंभक, सहज कुंभक जिसको कहते हैं, हमेशा कुंभक में रहो. प्राण और अपान का जो संधि है, संधि के बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा किए थे. प्राण और अपान का जो संधि है उसको कुंभक कहते हैं, और उस संधि में मन अगर रह जाता है तो फिर मन का गति स्तंभित हो जाता है, मन कुछ नहीं कर सकता है. और उस हालत में सब कुछ करता हुआ व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा मन उसका स्थिर रहता है, प्राण स्थिर रहता है, उसको सहज कुंभक कहते हैं. और उस स्थिति में जो कर्म किया जाता है वो कर्म का कोई रंग नहीं
होता है, मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, सुख दुख ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। आप मन का निरोध करिए प्राण का निरोध के द्वारा, और फिर देखो क्या मजा आता है। अकर्ता भोक्ता होकर के संसार में विचरण करो, प्राण के उन्मेष और निमेष से संसार का उदय और अस्त होता है, इसीलिए उसे अभ्यास और प्रकृष्ट योग से आप निरुद्ध कर दीजिए। उन्मेष और निमेष मन का वही समझो, मन का, मन कुछ नहीं है, एक स्पंदनों का लगातार एक प्रक्रिया है, प्रवाह है, स्पंदनों का प्रवाह है, भावनाओं का स्पंदन का प्रवाह को मन कहते हैं। वो स्पंदन सब जो है, वो दो स्पंदन के बीच में कोई संधि तो होगा ही, दो के बीच में तो एक गैप रहता है, तो उसको कहते हैं एक। इसके बाद जो दूसरा स्पंदन आएगा उसको उन्मेष, और जो स्पंदन बंद हो जाता है निमेष कहेंगे, और आंख का खोलना बंद करना उसको उन्मेष निमेष कहते हैं। तो उसके साथ साथ संसार का उदय अस्त होता है, मतलब मन ही संसार का मूल कारण है। मन जब चलायमान होता है, स्थिर होता है, तो संसार बनता है। मन जब स्थिर हो गया, संसार नहीं है। ये ब्रह्मा का मन मानो, चाहे एक कीड़ा का मन मानो, एक ही बात है। मन का उदय में संसार का उदय, और मन का अस्त में संसार का अस्त हो जाता है। When the mind rises, means work starts working, the world appears, and when mind stops, the world disappears. This is the real fact. Without mind, there is no world. Mind is the root cause of the world. So, keep the mind steady in the juncture of two waves, thought waves, that is possible by practicing pranayama. Pranayama is nothing but your existence in the juncture of two breathings. That is always visible to you, continuous state in that juncture. Breathing process, you breathe in and you breathe out. In between there is a gap, that is called kumbhak, where prana stops. All these in detail we have seen in the story of Kakabhushanda, his dialogue with Vasishtha ji. So the secret of all the pranayams and how one can live in kumbhak all the time without any effort, easy kumbhak, continuous kumbhak, how one can have, that is we have seen. Now to stop the mind and to be witness of the mind, that is our point. You can stop the mind by the help of pranayama and be the enjoyer. Prana ke unmesh aur nimesh se sansar ka uday aur ast hota hai, isliye usse abhyas aur utkrisht yog
योग से आप निरुद्ध कर लीजिए. प्रैक्टिस द हायर टाइप ऑफ योगा. Nowadays, we know yoga means legs up, head down. That is called yoga. Of course, it is a part and parcel of yoga. We cannot give it up. But it is not all what is called yoga. It is not everything. So, yoga means to have a steady state of your being. That means mental steadiness. That means to stop the mental process. That is possible by pranayama, practicing pranayama. So, he says practice pranayama and keep the mind steady and witness the beauty of the world. No hurry, no worry. Enjoy the beauty of the valley. Why are you running? You will get nothing. Athava pravritti dvara ajnani hi sav anarthunga nidana. मन को स्थिर करके, मन का दृष्टा बन करके आप भी अकर्ता बन सकते हैं. ये बोलते हैं ये एक दूसरा रास्ता है. और फिर अनेक रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है. दूसरा रास्ता क्या है? अथवा प्रवृत्ति द्वारा अज्ञान ही सब अनर्थों का निदान है. इसीलिए दृढ़ आत्मज्ञान से उसी का निराश करना चाहिए. अज्ञान के आगम और उपाय से कर्म का आगम और अपाय होता है. इसीलिए बल से गुरु प्रदिष्ठ शास्त्रार्थ और संयम से आप उसका विलय कर दीजिए. अज्ञान के आगम और अपाय से कर्म का आगम और अपाय होता है. मन को बस में कर लिया, हो गया, ये एक रहता था. दूसरा है अज्ञान ही सारे दुखों का जड़ है. अज्ञान, इग्नोरेंस द अदर वे हाउ टू बी विटनेस and not to be the doer. The ignorance is the root cause of the world. Now we saw the mind is the root cause of the world. Now from other angle, if you see, the ignorance is the root cause of the world. Ajnani hi sare dukkhon ka jad. अज्ञान जड़ कैसे है? प्रैक्टिकली हम देखते हैं हर वक्त, जिस विषय के बारे में हमको ज्ञान नहीं है वही तो हमको सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं वही तो हमको समस्या है. जब जानकारी है तो समस्या कहाँ? समस्या नहीं है तो कोई दुख नहीं. समस्याएं हमारे दुख को कारण बनते हैं और समस्याएं होते हैं अनजान के कारण. हम जानते नहीं, हम रास्ता भटक गए और कहीं जंगल में घुस गए और देखो हमारे सामने शेर खड़ा है. इतने बड़े बड़े आंख और जीव लहला रहा है, उसके लिए बड़ा सुंदर पकोड़ा और इडली, बड़ा सांभर मिल गया. नाश्ता करने के लिए सामने तैयार है. ये क्यों हुआ? अज्ञान ही इसका जड़ था. रास्ता भटक गए, जंगल में, घनघोर जंगल में घुस गए
और यहाँ अपने रास्ता ढूंढ रहे थे, दोस्तों को ढूंढ रहे थे तो कोई नहीं मिला, भाग ही मिला। यह अज्ञान ही जड़ है। किसी को दोस्त को दुश्मन समझ करके उसके साथ मारपीट कर लिए और मार खा करके घर में आए, क्यों? कि मालूम नहीं था वो आपका भलाई कर रहा था, वो आपका दोस्त था, उसको दुश्मन समझ लिए, तभी तो मार खा करके घर में आए। हर वक्त तो हर जगह पर हमारे समस्याएं हमारे अज्ञान के कारण से बनते हैं और उससे हम दुखी होकर के रोते रहते हैं। अज्ञान ही समस्याओं का और दुख का जड़ है। अगर हमको जानकारी सब चीज के बारे में है, पूरा है, तो फिर हमको कोई समस्या नहीं, कोई बाधा विघ्न नहीं है, कोई असफलता नहीं मिलती, कहीं भी हाथ लगाओ सब सफलता मिलेगी और आप सुखी हो जाते हैं। अज्ञान ही मूल कारण है। दवाई खाने के लिए जा रहे थे, टेबल के ऊपर रखा हुआ था, अनजाने वो टीक टोंटी पी लिए तो क्या होगा? अस्पताल जाना पड़ेगा या नहीं, आईसीयू में? तो ये सब अज्ञान से होता है, ज्ञान से नहीं होगा। ज्ञान से कोई समस्या नहीं बनता है। और ये ज्ञान कभी नहीं भूलना, दो किस्म का ये संसार के जानकारियों का समूह को ज्ञान कहते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, इसका बढ़ोतरी है, होता रहता है, ये व्यवहारिक ज्ञान इसको कहते हैं, ये परमार्थ ज्ञान नहीं है। परमार्थ ज्ञान का ना घटोत्री ना बढ़ोत्री ना कोई, ये तो अनुभवात्मक ज्ञान होता है। और ये जो व्यवहारिक ज्ञान है, ये संसार में सुखी रहने के लिए मददगार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अज्ञान ही सांसारिक दुखों का जड़ है। और आध्यात्मिक रूप से तो ना कोई सुख है ना कोई दुख है, वो तो न्यूट्रल जोन होता है, उसमें कुछ सुख दुख नहीं होता है। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द मिजरीज एंड प्रॉब्लम्स। व्हेन यू नो एवरीथिंग अबाउट द इंसिडेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। व्हेन यू डोंट नो द सिचुएशन, देन ओनली प्रॉब्लम्स are to be faced, and then only you become worried and feel miserable. So you have to get over this ignorance. How? What is the way? Ignorance, just like darkness. How to get over the darkness? Misunderstanding is called ignorance. Not knowing the fact and figure, real fact and figures, is called ignorance. So it is not possible to get all the information when it is in darkness. That means you have to put light on it. That is called knowledge, knowledge of light. So if you know everything, then there is no question of your miseries. And all these ignorance also is caused by your attempt to do something by your senses and mind, etc. Your attempt, pravritti, your, kya wo, usme,
क्या बोलते हैं उससे मैं मिलजुल जाना, हाँ हाँ मैं करूंगा, जो क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट, योर इन्वॉल्वमेंट इन द वर्ल्डली अफेयर्स, यू से यस यस आई एम द डूअर, आई विल डू इट, आई विल डू इट, इट इज नथिंग बिफोर मी, आई कैन सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स. Your environment, your concern with the worldly affairs, that is the cause for your ignorance. Ignorance is the cause for your misfortune or miseries. जो तुम्हारे प्रवृत्ति मतलब उसमें अपनापना, हम मैं करूँगा, ये जो अहंकार जो उसमें अपना मैं कर लूंगा करके सोच करके उसमें जो लग जाना, उसी को प्रवृत्ति कहते हैं. वृत्ति पेशा, प्रवृत्ति विशेष ढंग से इच्छा प्रकट करना, मैं इसको करूंगा, अपना अपना, इसको कहते हैं प्रवृत्ति. अरे ये कुछ नहीं, और ये मैं कर लूंगा, लाओ लाओ मैं कर लेता हूं, इस ये तो हमारा जन्मगत स्वभाव हो चुका है. दो के बीच में तीसरा बनना, ये अज्ञानियों का लक्षण है, दो के बीच में तीसरा बनना. आखिरकार तो ये दोनों एक ही हुए, मन ही खरी. मन को कर्म भी बोलते हैं, वृत्ति भी बोलते हैं, प्रवृत्ति भी बोलते हैं. मन ही कर्म है, मन ही अज्ञान है, सब कुछ मन तो है, लेकिन उसका अलग अलग एस्पेक्ट को देख रहे हैं. एक ही चीज है, एक ही मन ही कर्म है, मन ही संसार है, मन सब कुछ है, मन ही प्राण भी है. मन नहीं तो प्राण काम नहीं करेगा, प्राण नहीं है तो मन नहीं है, मन नहीं है तो प्राण नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना. तो एक ट्रायंगुलर फोर्स का मैं हमेशा बताया हूँ, ये ट्रायंगुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी है. इसको एक कोने से देखोगे तो दूसरा दो कोना तो बच गया ना, जिस कोने से देखोगे दो कोना को और देखना पड़ता है, तभी तो इसका पूरा जानकारी मिलेगा. तो मन को हम अलग अलग तरह से देख रहे हैं, मन ही है सब कुछ. तो मन ही प्राणायाम में रुकता है, मन ही प्रवृत्ति का रूप लेता है. मन का नाम अज्ञान है, मन चलाए मन है तभी अज्ञान है. इन से सब कुछ मन है, परंतु उसी को हम अलग अलग देखते हैं ना, अलग अलग रूप से. एक तभी तो ऑलराउंड विजन हम तो कर रहे हैं, एक ही चीज तो एक ही है, कौन सी बड़ी बात है. जहां से देखो वही एक पहाड़ है, लेकिन कहीं से तो नोकदार दिखता है, कभी तो सीधा कहीं खड़ा है, कहीं से तो बड़ा हरा भरा दिखता है, तो कहीं नंगा पत्थर दिखता है, एक ही पहाड़ है. तो मन ही सब कुछ है, लेकिन उसको अलग अलग दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, तो अज्ञान ही जड़ है. अज्ञान को नाश करने के लिए ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, और वो ज्ञान कहाँ है? गुरु द्वारा उपदिष्ट जो शास्त्र का अर्थ रूप से मन का संयम आदि उपासना करके, मन का विलय करके, फिर मन का स्थिर हो जाने से फिर संसार का सुख दुख नहीं रहेगा. ये भी एक रास्ता है. गुरु जो कहा हम उसी के बातों में हाँ जी भरना, कुछ उसके ऊपर चर्चा नहीं किया जाता है. बड़ों का बातों के ऊपर
चर्चा नहीं करना चाहिए, यह हमारा सदाचार का विधान है। सदाचार द कोड ऑफ कंडक्ट इज इट सेज यू शुड नॉट आर्गू ऑन द वर्ड्स ऑफ द एल्डरली पीपल बिकॉज दे से आउट ऑफ देयर एक्सपीरियंस। Elderly people's words are not to be discussed. It is to be obeyed without if or but. बड़ों का बातों को अंधा हो करके मानना चाहिए, ये हमारा समाज में पहले का हमारा सदाचार के नियम है सब। और इसको कोई कहते हैं अंधविश्वास, तो वो अंधविश्वास, वो अंधा का अंधविश्वास है जो नहीं जानता है। कभी कभी मुझे बड़ा गुस्सा आता है, कभी ये टेलीविजन में हम देखते हैं सूर्य ग्रहण आने वाला है अगले महीना। सूर्य ग्रहण आया, चंद्र ग्रहण आया, तो क्या करते हैं, टीवी चैनल में कुछ पंडित लोगों को बैठा देते हैं और कुछ वो वैज्ञानिक लोगों का, आधुनिक लोगों को बैठा देते हैं, उनको लड़ाते हैं खूब। टीवी चैनल वालों का वही जो है वो क्या करते हैं, पंडित लोग करेंगे उपवास करना और सूतक लग जाता है इतने घंटे से इतना घंटा तक सूर्य ग्रहण का मध्यम भाग में, उसके पहले से इतना और सूर्य ग्रहण समाप्ति इतना के बाहर जा करके फिर भोजन ग्रहण करना, ये सब हमारे शास्त्र वर्णित सब सब नियमों का पालन करना चाहिए, ये हमारा परंपरा है। तो वैज्ञानिक बैठेगा, यह अरे ये खगोल एक घटना है, इसमें तुम्हारा कहाँ ये सब सूतक लग जाएगा, खगोल ये घटना है। अब कौन अंधा कौन आंख वाला वे जाने। अरे खगोलीय घटना तो सब कुछ, अभी वो जो ये जो कोरोना फैल रहा है ये कौन सा घटना है, ये कौन सा घटना, क्यों नहीं इसको तुम कंट्रोल कर लेते हो वैज्ञानिक लोग। हाँ इतना सब वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन सब बना दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी मर रहे हो बेवकूफ अंधे, क्यों मर रहे हो रे। तुमने सब कुछ कर लिया, खगोलीय घटना करके हवा में उड़ा देते हैं। अरे खगोलीय घटना तो तुम्हारी भी है, ये धरती एक खगोलीय घटना है, धरती बना कैसे, ये खगोलीय घटना नहीं। सूरज तो तुम्हारे प्राण का आधार है भाई, सूरज नहीं रहेगा तो तुम्हारी जिंदगी नहीं, और सूरज के ऊपर अत्याचार हुआ करके कह करके अगर तुमको कोई बोल दिया वो अंधविश्वास हो सकता है। सूर्य को राहु पकड़ लिया निकल गया ये कहना एक भाषा है, भाषा का अंदरूनी अर्थ यह है सूर्य के ऊपर छाया तो पड़ा ना, तुमको तो सूरज नहीं दिख रहा है ना, सूरज दिखेगा और नहीं दिखेगा उसमें कितना अंतर होता है, रात को और दिन को क्या तुम बराबर कर लोगे, दिन रात तुम्हारे लिए बराबर है क्या, एक पार्थिव जीव के लिए दिन रात बराबर हो जाएगा, तो रात को सब काम करो ना, दिन में सो जाओ, क्यों नहीं करता हो, सूर्य उदय के पहले उठना साध्य कर है, क्यों बोलते हो भाई है? ये सब जो तुम्हारे दृष्टिकोण जो नहीं माना वो अंधा, ये सब कुछ है
जिसका हम विचार करेंगे गहराई से जाकर के, क्यों कैसे कब, ये सब प्रश्न पूछ करके इसका उत्तर के प्राप्ति के बाद जो हमको निष्कर्ष निकलता है उसको हम मानना चाहिए, अंधाधुंध नहीं। तुम ये जो सूर्य ग्रहण के पीछे हमारे जो अंधविश्वास है उसका आधार क्या है तुमको मालूम है क्या? जानते नहीं और बोलते अंधे, खुद अंधे हैं और दूसरे। हम मुसलमान धर्म को हम बुरा सोचते हैं, क्यों? हम जानते नहीं उनके बारे में कुछ, खाली हमारा जो परंपरा है उसको वो नहीं मानते हैं करके हम उनको बुरा मानते हैं। और वे लोग भी ऐसे ही मानते हैं, हिंदुओं को ये काफिर है, दुश्मन है हमारा, ये हमारे धर्म को जो नहीं माना उसको मार डालो। ये सब अंधविश्वास हो सकता है, जो जानना चाहिए उसके बाद कुछ बात करो, तब तो हम मानेंगे। तो कहने का मतलब ये हम जो अज्ञान के बारे में बात करते हैं, हमारे परंपराओं के बारे में बात करते हैं, इसको सब एक ही किनारे रखो, बड़ों के बात के ऊपर बात नहीं करना, ये हमारे सदाचार का विधान है। क्यों? बड़े तो तभी है किसी चीज में, तो बड़े हैं, तुम ही तो तुम बड़े मानते हो, बड़ा कैसे हुआ? अनुभव से बड़ा होता है। एक मूर्ख जो अनपढ़ अंगूठा छाप कंपनी, वो भी कभी जो बातें करता है बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनका मन साफ है, कुछ भी बात पढ़ा तो फटाफट उसका उत्तर मिलता है। बच्चे कभी ऐसा बात करते हैं जो बूढ़ों का दिमाग चकरा जाता है क्यों? उनका मन साफ रहता है, साफ दिल से विचार, शुद्ध पवित्र विचार हमको मिलता है। इसी ढंग से कहा गया, गुरु वाक्य के ऊपर कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। गुरु जो कहा, हमारे स्वामी चिदानंद जी हमेशा कहा करते थे, वो पत्थर की लकीर, ओबीडियंसी इज ग्रेटर देन रेवरेंस, ओबीडियंस इज ग्रेटर देन रेवरेंस, यू मे सैल्यूट एंड प्रोस्टेट बिफोर योर गुरु 100 टाइम्स बट इफ यू डोंट ओबे हिज ऑर्डर दोज सैल्यूटेशंस आर गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, व्हाट यूज ऑफ इट। बड़ों का बात में पूरा अपना सर्वस्व समर्पण कर देना और उसको मान लेना, यही हुआ है हमारे परंपरा, और इसी व्यक्ति को ही सुख मिलता है जिंदगी में जो बड़ों का बात मानता है। आज्ञाकारिता, अनेक उदाहरण है हमारे गुरु शिष्य परंपरा में। आरुणी का कहानी देखो, और वो क्या और बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे कहानियां अगर गुरु शिष्यों का कहानी शुरू करेंगे ना, फिर तो इसका अंत नहीं। कहने का मतलब, गुरु के वाक्य को जो मान लेता है उसका मन निरोध में सहायता मिलता है, मन अपने आप चुप हो जाता है। और मन चुप हो गया तो दुनिया कहाँ, दुनिया तुम्हारे खत्म, और तुम दुनिया का सुख दुख में भागीदार नहीं बनोगे।
मनोनाश का ये रास्ता अलग अलग तरीका, अज्ञान के आगम और अपाय से कर्म का आगम और अपाय होता है। अज्ञान से हम कर्म करते हैं और ज्ञान से कोई कर्म होता ही नहीं, इसीलिए बल से गुरु उपदेश शास्त्रार्थ और संयम से आप उसका विलय कर दीजिए, मन का विलय कर दीजिए, अज्ञान को खत्म कर दो। बलपूर्वक गुरु का वाक्य को मानने से तुम्हारा मन जबरदस्ती ही रुकेगा। चित्तोन्मेष निमिषाभ्याम, उसमें जो अर्थ कहा गया था उसका दृष्टांत से स्पष्टीकरण करते हैं। चित्त का उन्मेष और निमेष में तुम्हारा दुनिया का उदय और अस्त होता है, इसीलिए चित्त को शांत रखो। ये तो योग शास्त्र भी ये कहा, यही योग शास्त्र का बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीका से बता रहे हैं सब। चित्तवृत्ति निरोध करने का तरीका, जैसे आकाश वायु और राज के संबंध एवं स्पंदन से मलिन चलन आदि स्वभाव वाला ज्ञात हो जाता है, वैसे ही चित्ती के चित्त रूप स्पंदन से चैत्य रूपी यह अनर्थ जाल उपस्थित हो जाता है। चित्ती, चित्त और चैत्य, ये तीन शब्दों को ये इस्तेमाल किया है। चित्ती मतलब जो आदि शक्ति है, जो पराशक्ति, द प्राइमोरियल एनर्जी इज कॉल्ड चित्ती। चित्ती द सुप्रीम पावर, द बेसिक एनर्जी। वाई बेसिक एनर्जी? बिकॉज आफ्टरवर्ड्स द एनर्जी हैज टू बी ट्रांसफर्ड। एनर्जी मीन्स नॉट स्टेडीनेस, इट हैज टू बी चेंजिंग एवरी मोमेंट, सो वन एनर्जी टेक्स द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो इट इज एवर चेंजिंग प्रोसेस। So the primordial energy that is called chitti, and in that starting point it stands in between both the sides. One is absolute silence, equilibrium, the other is the process, starting of the process. So in between it, the starting point, that is the starting of the energy. So when the energy starts, it becomes, it is named as chitti. And when that starting process together is called chitta, the subconscious mind, and the turnover is known as chaitya, the world. Chaitya, the world, the outcome of the process. Process is called chitta altogether. So chitti ka jo karya hota hai, wo jo swarup hai, kaam karne ka jo tarika hai, swarup hai, उसको चित्त कहेंगे, और जो कार्य किया गया है उसको चैत्य संसार कहते हैं। इस ढंग से चित्ति शब्द को हम व्यवहार करते हैं। क्यों चित्ति शब्द को क्यों व्यवहार करते हो? क्योंकि चित्ति शब्द आया चित्त से, चित्त मतलब चेतन, अवेयरनेस को चित्त कहते हैं। चेतन से चित्त हुआ, चित्त से चित्ति हुआ, चित्त से चित्त हुआ, चित्त से फिर चैत्य हुआ।
इस ढंग से ये शब्दों का प्रयोग करके एक ही शब्द का अलग अलग रूप से हम सारे परमात्मा से लेकर के दुनिया तक सब चीज को इकट्ठा देख सकते हैं, इसलिए ये शब्दों को इसी ढंग से ये इस्तेमाल करते हैं। That primordial energy when it is not started, it is in between the silent and starting position, that is called chitti. The awareness is ready for action. When it is started, then it is called chitti. And when the process is going on, the whole process together is called chitta, where all the process is seen. So chitta is nothing but the pen drive. Everything is within it. And chitya, when you see the picture in the screen, that is called world, the chitya, how things are going on. Sansara चैत्य हुआ और संसार का प्रक्रिया जो चल रहा है उसको जहां पर चल रहा है वो सारा इकट्ठा वो उसको कहते हैं चित्त। और इसके बीच में वो बुद्धि और मन और ये सब बीच में आते हैं, इसका सब बीच का नाम है, सब अलग अलग फेजेस। और बाकी चित्ति हुआ जब स्टार्टिंग पॉइंट में चीती, एक अटेम्प्ट शुरू हो गया, चलो शुरू कर दो। और शुरू के पहले चीती नाम से जाना जाती थी वो, रेडी फॉर एक्शन, वो हो जाएगा चीती। और उस तरफ चित्त जो जहां से वो बॉर्डर लाइन में आया, उस शांत और गंभीर और वो जो स्थिति है उस तरफ, उसको कहते हैं चित्त, ज्ञान का भूमिका, बिल्कुल तैयार अति निर्मल, जिसमें कोई कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई उसका किसी भी हालत में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस तरफ से हम देखने से परम शांत सुख निदान वो धाम दिखता है, ऐसे ही इस तरफ से दिखता है, ऐसा ऐसा बोलते हैं हम। तो वो जो है चित्त का जो चलना और रुक जाना, वो तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब बीच में तो जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, बीच में तो एक स्टॉपेज तो आएगा, नहीं तो बदलेगा कैसे, जहां से बदलेगा दूसरा रूप लेता है। तो वो प्रोसेस का नाम तो चित्त हुआ ना। तो चित्त जो हुआ उसी में उन्मेष निमेष होगा, ये जो स्पंदन होता है, स्पंदन दो स्पंदन के बीच में जो संध्या होगा, जो ज्ञाप अंतराल होगा, उसी से तो एक का उदय एक दूसरे का अस्त का माना मानते हैं। मतलब दोनों चित्त शब्द से पहचान जाते हैं, जिनमें उन्मेष निमेष होता है वो भी चित्त, और जो जिसमें उन्मेष निमेष नहीं होता वो भी चित्त। हाँ, चित्त का स्थिरता को हम कहेंगे, जहाँ कुछ है नहीं, निर्बीज बीज नहीं है, उधर बीज भुना हुआ बीज समझो। हाँ जी, उसमें अंकुर पैदा करने का ताकत खत्म हो चुका है, तो उस स्थिति को हम कहेंगे निर्बीज स्थिति। बीज तो दिखाई दे रहा है लेकिन निर्बीज स्थिति है, वो पैदा नहीं होगा पेड़। अरे फैमिली प्लानिंग कर दिए ना। अरे यार, कुछ नहीं होगा,
संसारों सर कुछ नहीं होता, पेड़ नहीं बन जाएगा, इसको खाली खाने के लिए काम है, टाइम पास टाइम पास। मूंगफली को भून दो खाना, एक एक चबाते चलो। तो इसको कहा गया है, दृष्टांत से उदाहरण देते हैं, आकाश में जैसे वायु और राज के संबंध से एवं स्पंदन से मलिन चलन आदि स्वभाव वाला ज्ञात तो हो जाता है, वैसे ही चित्त के चित्त रूप स्पंदन से चित्त रूपी यह अनर्थ जाल उपस्थित हो जाता है। चित्त को जब हम काम में लगा देंगे तो बुद्धि मन और इत्यादि इत्यादि सब सूक्ष्म मन स्थूल मन अपवित्र मन पवित्र मन, मन का भी कितना कितना रूप बना देते हैं हम। तो ये सारे चीजें जब काम चल पड़ा तब तो होता है। एक कपड़ा बनने के लिए कितनी सब फेजेस को पार करके जाने से एक रुई वो कपड़ा का रूप लेता है। कितने फेजेस हैं, पहले रुई को साफ करो, उसको फिर ये पतला बनाओ बीन करके, और उसको फिर धागा बनाओ, धागा को फिर रंगना या नहीं रंगना, मोटा धागा चाहिए पतला धागा चाहिए उसके अनुसार, उसको फिर बुन कर के पास बुनाई करना है, और उसके बाद फिर उसका साइज देना बॉर्डर देना, ये सब करने के बाद कपड़ा बनेगा। और ऐसे ही क्या रुई को लेकर के कोई कपड़ा बना देता है क्या? कितने फेजेस के बाद जा करके वो कपड़ा का रूप लेता है। वैसे ही चित्त ये कर्म का रूप लेने के लिए अलग अलग फेज को पार करना पड़ता है, कर्म कर्म फल ये सब एक ही प्रोसेस का बात है, उसमें अलग अलग जगह का अलग अलग दिशा सब है। तो वो करें आकाश जैसे कभी रंग, देखो अभी अंधकार हो गया, कहा हुआ आकाश में हुआ ना आकाश काला हो गया अभी अरे सुबह कितना रंग रंगीला लाल लाल बादल, खाली लाल थोड़ी, सुनहरे हैं, पीले हैं, काले हैं, सफेद हैं, कितने रंग रंगीले बादल आ जाते हैं। और तूफान आता है, धूल का बवंडर, ओहो आकाश कितने धुंधला दिखता है, अरे कभी वो सिद्ध कभी वो कुहरा छा गया तो आकाश तो धुंधला दिखता है, आकाश तो साफ दिख जाए नहीं देता है। रात को देखो तारे कहीं मिट मिटाते हुए कहीं छिप जाते हैं, दिखते नहीं साफ, क्यों? बारीक बादल का होने से हम आकाश को साफ नहीं देखते हैं। तो क्या सचमुच आकाश गंदा हो जाता है? धुआं फैल गया वो जंगल में आग लगा दी, धुआं फैल गया आकाश मैला हो गया। आकाश कहीं मैला होता है क्या? उसको सफाई कौन करता है आकाश को? कौन है उसका धोबी? हवा है उसका धोबी। तो इसी ढंग से वो कहते हैं आकाश जैसे निर्लिप्त रहता है हर समय में हर परिस्थिति में, ऐसे ही राम तुम निर्लिप्त रहो सबका आधारभूत दृष्टा बन करके। ये चित्त का जो ये धंधा चल रहा है, इस धंधा में प्रवृत्ति मत करो, मतलब तुम इस धंधा में शामिल मत बन जाओ, इसके अंदर घुसो मत। हमारा स्वभाव है हमेशा हम
दूसरे के अंदर टांग अड़ाना। एक छोटी सी कहानी दो मिनट में सुनो, दूसरों के दो के बीच में तीसरा नहीं बनना, टांग नहीं अड़ाना। जहां तुमको जरूरत नहीं वहां पर जाकर के, हाँ क्या बात कर रहे हो भाई, हाँ तुमको क्या जरूरत है आकर के सुनना या बोलना, क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्या जरूरत है, चुप बैठो चलो इधर से। वह क्या, एक गांव में कहीं किनारे बड़गद का पेड़ था, पेड़ के नीचे ये चिरांत करने वाले लकड़ी चिरान करते हैं, वो दिन में चिरान कर रहे थे। एक कोई लकड़ी उसको देहाती प्रक्रिया से क्या करते हैं, उसको नीचे थोड़ा खड्डा करेंगे, खड्डा करके वो गेला जो होता बड़ा भारी लकड़ी, उसको एक तरफ तो थोड़ा खड्डा में डालेंगे और उसको आधा खड़ा करेंगे, एक एंगल में 60 डिग्री या 50 डिग्री एंगल में खड़ा करेंगे, उसको सपोर्ट देंगे नीचे से उस लकड़ी उकड़ी दे करके, और उसके ऊपर पहले उसको धागा से सब निशानी लगाते हैं कहाँ कहाँ से चिराना करना है। एक आदमी ऊपर जाएगा और एक आदमी नीचे बैठेगा तो आरा को खींचेंगे ऊपर नीचे, सोई ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो ऐसे ही कोई चिरांत कर रहे थे और शाम हो गया, अब जाना है घर। अब जब घर जाते हैं आधा चिरा हुआ जो लकड़ी उसमें फिर वो फिर ऐसा पट लग जाएगा, कल आएंगे उसमें आरा फंसाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं, जब आधा चिर दिए हैं फिर पलटा देंगे दूसरे तरफ से, फिर उसी निशानी से चिरेंगे तो अलग हो जाएगा लकड़ी। तो अब क्या करते हैं, इधर से जो आधा चिर रखे हैं उधर एक ही किला फंसा देते हैं लकड़ी का, उसी में थोड़ा छेद करके फंसा दो ताकि कल आएंगे तो आरा फंसाने के लिए आसान हो जाएगा। आरा जाने के बाद फिर लकड़ी वो किला को निकाल दो और जब जाएंगे फिर किला को फंसा दो। अब वो किला फंसा दिए और शाम हो रह जाएंगे, वो दिन भर कुछ बंदर सब आकर के बड़ा भारी पेड़ है उसमें खेल रहे कूद रहे ऊपर ऊपर, अंदर नीचे नहीं आते हैं डर के मारे, इधर सब लोग आना जाना चल रहा है। अब जब सुनसान हो गया वो चिरांत सब चले गए घर, बंदर नीचे उतर आए करके इधर दौड़ो उधर कूदो उधर से उधर छलांग मार रहा है कोई, और बच्चे सब एक दूसरे का पूछ पकड़ के खेल रहे हैं, सब खेलने लगे आकर नीचे। एक बंदर जा करके बैठ गया उस लकड़ी के ऊपर, उसका पूछ उस छेद के अंदर घुस गया, बंदर ठहरा। और वो क्या किया है, इधर बैठ के इस तरफ किला को पकड़ करके हिला रहा है। हिलाते हिलाते किला तो नुकीला होता है ना, वो ढीला पड़ जाता है, कील जब ढीला पड़ गया धीरे 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 किला निकल गया। अरे फंस गया उसका पूंछ, चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, बेचारा का पूंछ फंस गया और जितना खींचता है उतना फंस जाता है बेचारा, फिर मर गया। और उसको देख करके सब बंदर भाग गए। इसको कहते हैं किलोत्पाटी वानर, किला को उत्पाट करने के लिए जो प्रयास करता है ऐसे बंदर मत बनो। अव्यापारेश व्यापार जो नरो कर्तुम इच्छति सनरो निधनो जाति किलोत्पाटी वानर। ये संस्कृति में कहानी है, कहानी इसीलिए कहा गया कि दो के बीच में तीसरा मत बनो,
जो तुम्हारा जरूरत नहीं उस काम में क्यों टांग अड़ाते हो? टांग अड़ाओगे फंसोगे वो बंदर के वापी, तुम्हारा क्या जरूरत है वो किलो बेचारा फंसा मरा। ऐसे ही दो के बीच में तीसरा नहीं होना, मना है। धन्यवाद, कल फिर यहां करेंगे, क्या करना है तुम्हारा विश्वास ही फर्दर। ये जो आकाश के व्यापी निलिप्त रहना और चित्त का स्पंदन को अनर्थ के लिए पैदा मत करो, आओ चित्त वृत्ति निरोध इनडायरेक्टली वही बात है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक ही बात करते हैं। सो टुमारो सी डोंट बी थर्ड पर्सन इन टू पीपल्स अफेयर और एल्स यू विल बी डिस्ट्रॉयड लाइक दैट मंकी ट्राइंग टू रिमूव द पेग फ्रॉम द sawing wood. Its tail was caught old and it died. Unnecessary. Don't interfere in others' affairs, or else you will be killed like that monkey. Hari Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जो वसिद्ध जी भगवान की जय। हरि ओ